मुसलमानों सदर जा रहा है, वजीर आजम जा रहा है, चीफ आर्मी स्टाफ जा रहा है, उसके लिए करीर बिछाए जाते हैं। बुखारी शरीफ में रवायत मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में रवायत मौजूद है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अकबर, खुदा की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम इनको गालियां देते हो, उलमाए किराम के खिलाफ जुबान निकालते हो। मैं आलम की बात नहीं कर रहा, तालिब इल्म की बात कर रहा हूं। ये तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, सारे रास्ते में अल्लाह के फरिश्तों ने परों को बिछा रखा होता है। तुम्हारा सदर कलीन पे जा रहा है, ये तालिब इल्म मदरसे के फरिश्तों के परों के ऊपर से जा रहे। फिर हमारा यही बच्चा स्कूल जाता है, पहला सबक डो का मैना बताया जाता है, डो का सबक दिया जाता है। बेटा डो का मैना कुत्ता, पहला सबक कुत्ते बिल्ले का। और यही तुम्हारा बच्चा जब शाम को हमारे मदरसे में आता है तो कारी साहब कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला सबक बिस्मिल्लाह का है। फिर हमारा बच्चा, मैं मना नहीं करता, मेरा अपना बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर है, हमारा बच्चा कॉलेज में चला गया, यूनिवर्सिटी में चला गया, बालों का स्टाइल अजीब और गरीब बनाता है। याद रखना हदीस है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आ जाएगा उम्मत के नौजवान अपने बालों का स्टाइल अजीब और गरीब बनाएंगे, दाएं बाएं तरफ से ऐसी कटिंग होगी। हुजूर ने फरमाया ऐसे लोगों पर लहनत हो। ये सरकार का फरमान है, आप उसे पूछो ये तेरे बालों का स्टाइल ऐसा क्यों है। कोई कहता है मैंने फला ड्रामा देखा, अच्छा नाम उन्होंने ड्रामा रखा होता है, और हमारी बहनें ड्रामा देखकर रो रही होती, उन्होंने नाम रखा है फिल्म का और रो रहे। हमारा नौजवान कहता है कि ये फला फनकार को देखा, उसके बालों का स्टाइल ऐसा था, मैंने भी अपना लिया। हमारे मदरसे के कारी साहब से, तालिब इल्म से पूछ, मोहम्मद मुस्तफा से पूछ, हमारे उलमा से पूछ, तुम्हारे बच्चे तो ये कहते हैं फलां का स्टाइल है, हमारे तालिब इल्म से पूछ ले तेरे सर पे टोपी क्यों है, वो फौरन कहेगा ये मेरे मोहम्मद का स्टाइल है। तो मेरी दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।